ये सिंपल लुक है, इस लुक को हम फॉर्च्यूनर लुक बोलेंगे। क्या दिख रहा है यार मॉस। बहुत अंदर तक डाला इसने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अबू धाबी। जा रहे जी ब्रेकफास्ट करने। गुड मॉर्निंग। नेगेटिव सर्टिफिकेट। तो दिस इज राउंड वन। राउंड वन में है फ्रूट्स एंड दूध। आज राउंड टू की जरूरत नहीं पड़ी, राउंड वन में अपना काम तमाम हो गया, पेट भर गया। कल रात को बर्गर खाया था जिसकी वजह से पेट खराब था, इसके लिए मैंने सिर्फ फ्रूट्स ही खाए। और लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या टाइम हो रहा है? 12:30। हमारे फैजल भाई यहाँ पर आ चुके हैं हमें लेने के लिए। लड़का भी रेडी। आज थोड़ा ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहली बार आज अच्छा लग रहा है। आज जो मेरा लुक है ये तो फॉर्च्यूनर वाला लुक है ब्रो। ये सिंपल लुक है, इस लुक को हम फॉर्च्यूनर लुक बोलेंगे। ओके, आज हम जहाँ जा रहे हैं वो मेरे बकेट लिस्ट में बहुत पहले से था। मेरे बकेट लिस्ट में था फरारी वर्ल्ड में जाना और वहां पर फरारी चलाना, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम जा रहे हैं शेख जायद मॉस्क, जो कि बहुत बड़ा मॉस्क है और बहुत लोग वहां पर जा चुके हैं। तो मैं ना हमेशा देखते रहता था लोगों की कि वहां पर वो जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। मुझे भी जाना था, अल्लाह का करम है और हमेशा से बिरयानी गर्म है, तो आज हमें मौका मिल गया वहां जाने का। फॉर्च्यूनर जब मैंने लिया था ना, वो एक दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था और आज भी मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है, इसीलिए स्पेशल कपड़े चले। शेख जायद मॉस्क जाने से पहले हमें करना है पीसीआर टेस्ट। अबू धाबी का रूल है कि यहाँ पर अगर कोई भी टूरिस्ट आता है तो 4 दिन बाद उसको अपना पीसीआर टेस्ट करना ही होता है, और मुझे लगता है कि यही टेस्ट हमें एयरपोर्ट में जाने के लिए भी काम आ जाएगा, बिकॉज वहाँ पर 72 आवर्स बिफोर का पीसीआर टेस्ट चाहिए होता है। और मेरे ख्याल से अगर 2 दिन और है, मेरे ख्याल से हो जाएगा, यही टेस्ट हमारा काम आ जाएगा। लेट्स सी। ये जो आप टनल देख रहे हैं, ये टनल जाता है समंदर के नीचे से। ये उसका गूगल लोकेशन। अभी समंदर आया नहीं है, ये जीपीएस ने धोखा दे दिया। हम यहाँ थे, यहाँ दिखाना था हमें और सीधा यहाँ पर आ गए, बट बात ये थी कि हम पानी के नीचे, समंदर के नीचे से टनल है और उस टनल से हम बाहर हैं, बस इतना बताना था। क्या दिख रहा है यार मॉस्क, क्या दिख रहा है, क्या ब्यूटीफुल है। यही है शेख जायद मॉस्क, यहाँ हमें जाना है, बट पहले हमें कोविड टेस्ट करवाना है, पीसीआर, आरटीपीसीआर। ऑलराइट जी, तो हम पहुंच गए जहाँ पर हमें पीसीआर टेस्ट करवाना है। इस एरिया का नाम क्या है? मुरूर एरिया। मुरूर एरिया, यहीं पर रहते हो ना तुम? जी, मैं इधर ही, इधर ही रहते हैं। यहाँ पर कैसा सिस्टम है कि हमें गाड़ी के अंदर ही बैठना है, वो लोग सैंपल ले लेंगे एंड देन हमें रफा दफा कर देंगे। सिस्टम अच्छा है। टाइम कितना लगेगा वो भी नहीं पता। टाइम ज्यादा लगेगा तो फिर हमारा यार आज तो मॉस्क का भी कार्यक्रम है, एक्वेरियम का भी कार्यक्रम है, मतलब 4 8 4 3 4। बहुत ज्यादा नहीं कर दिया इसने? बहुत अंदर तक डाला इसने। पुर्जे पुर्जे पुर्जे। भाई साहब, नाक में जो खांडी डाला गया है वो नाक की कांडी मुझे ना यहाँ सर के ऊपर तक महसूस हुआ, आत्मा टच करके आई है। तेरा क्या हाल है दोस्त? भाई आत्मा को चीर के मुंबई पहुंच गई है। शेड, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा था। और वो इतना पतला था कि उसने ऐसा अंदर घुसर दिया ना, समझ लीजिए। आरटीपीसीआर नहीं था ये, आरटीपीसीआर था ना, रैपिड टेस्ट है। कौन बोला रैपिड टेस्ट है? ये जीप का नहीं लिया ना उसने, इधर जीप का कहीं भी नहीं। वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करने वाले हैं। वो चाहे तुम्हारे गले से ले या नाक से ले, मुंह से ले, दोनों एक ही बात है। वो सेफर साइड के लिए वो लोग दोनों साइड से लेते हैं। तो जैसे लगता है कि अगर दोनों जगह डालो तो आरटीपीसीआर, एक जगह डाला तो रैपिड टेस्ट है। दोनों ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था। ओके ओके, लड़का तैयार है मस्जिद में जाने के लिए और मस्जिद पहुंच ही नहीं पा रहे। कोविड टेस्ट हो गया हमारा, अभी हम आए खाने के लिए, क्योंकि खाना भी तो है ना। अबे तू बिल्ली है कि कुत्ता है? दूर रहे इससे, इससे दूर रहे, अबू धाबी वाली बिल्ली है ये। अभी यहाँ से दूर नहीं रहना चाहती है। आज का हमारा लंच, ये देखने में पिज्जा है लेकिन इसको क्या कहेंगे? मीट, अरबिक में लहम, अलहम लहम हबीबी, हैविंग अलहम अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ज़ातर एंड चीज़ है, और उसका ओनली चीज, ओनली चीज। और ये पिज्जा आ गया हमारे साथ, मिनी पिज्जा और सॉसेज रोल। डने जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कैसी आवाज है तेरी? चलेगा।
चलो जी खा के हो गया, अब फाइनली चलते हैं मॉस्क में। पहुंच गए जी, अभी हम लोग हैं पार्किंग एरिया में और यहाँ हमें सामने दिख रहा है शेख जायद मॉस्क। क्या खूबसूरत लग रहा है। और इस मॉस्क के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले अंदर जाते हैं, थोड़ा खूबसूरती को निहारते हैं, देखते हैं अच्छे से, जुड़े रहें। यहाँ पर भी सेम रूल है, हमें माइक निकालना पड़ा है, तो जो भी आप आवाज सुनेंगे इस इनबिल्ड माइक से आपको मिलेगा। अभी तक जितनी भी जगह हम घूमे हैं सब जगह पे हमें कुछ ना कुछ दिरहम देने पड़े, लेकिन मस्जिद विजिट करने के लिए कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और एक QR कोड मिलता है, उस QR कोड को यहाँ पर दिखाना है और फिर आप अंदर जा सकते हैं। मेरे को पता नहीं फ्री है, बस वो करते हैं कोविड की वजह से ताकि उनको नंबर ऑफ पीपल विजिटर्स का एक काउंट रहे। आप लोगों ने लास्ट शॉट में देखा यहाँ पर हर रिलीजन के लोग आए हुए हैं। एक बार जब आप ट्रैवल करने लगते हैं, दुनिया देखने लगते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, तो इसीलिए मैं ट्रैवल करता हूँ। अगर आपको शेख जायद ग्रैंड मॉस्क आना है तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला, यहाँ पर आप कैमरे के सामने बात नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी फोटोग्राफी पॉइंट है वहाँ पर ही आप फोटो खिंचा सकते हैं, उसके अलावा कहीं पे भी फोटो नहीं खींच सकते। मस्जिद में टोटल 82 डोम्स हैं 7 डिफरेंट साइजेस के। خیال کردم در آغوشی تو بودم وی سراسی مقومت بوشی تو بودم। شیخ زاید گرانڈ ماسک میں ایک ٹائم پر 55,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں। تو شادخت بودی و با شان و شوکت وی غلامی حلقه در گوشی تو بودم غلامی حلقه در گوشی। اس کا کام شروع ہوا تھا 1996 میں اور یہ کمپلیٹ ہوا 2007 میں। اور ورلڈ کا سیکنڈ لارجسٹ شینڈیلیئر جو مسجد میں ہے। इस मस्जिद में जो कारपेट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैंड ओवन कारपेट है। अप्रोक्सीमेटली 2 साल लगे इस कारपेट को बनाने के लिए, 1200 से 1300 लोगों ने मिलके इसे बनाया है। अरे भाई पूरा मस्त शॉट आ रहा है।